everyone, welcome back to Train of Five. So our today's topic is one of my favorites. So how to stay positive all the time. I think abhi bahut saal ho gaye hai. It's been 10 years we have been listening on the internet, on Google, on social media. पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिविटी कि पॉजिटिव कैसे रहे. अरे ऐसा हुआ है, अच्छा स्टे पॉजिटिव, ऐसा हुआ है ऑफकोर्स, बट कोविड 19 हैज चेंज्ड दैट एंड वी डोंट वांट टू बिकम पॉजिटिव एनी मोर. बट दैट डजंट मीन कि आप लाइफ में पॉजिटिव नहीं रहो. आई होप एंड दैट्स अ ब्लेसिंग दैट येस देर आर पीपल दोज हु डिड नॉट गेट कोविड एंड यू नो देर आर थिंग्स दैट वी हैव लॉस्ट अ फ्यू पीपल इन आर लाइफ ड्यू टू कोविड. बट कमिंग बैक टू पॉजिटिविटी, कुछ भी हो जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर हैपन्स इन लाइफ, यू शुड ऑलवेज लुक अहेड इन लाइफ. और जैसे आप सोचते हो कि आगे का देखो, वैसे ही हमेशा आपको पॉजिटिव भी रहना बहुत ज़रूरी है. पॉजिटिविटी से काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होती है. सो यूर आई एम लिस्टिंग फाइव थिंग्स यू नो, और रादर हाउ टू स्टे पॉजिटिव ये मुझे बोलना है. पॉजिटिविटी के बारे में ज्ञान तो हम बहुत ले चुके हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इसको एक्चुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं. सो नंबर वन इज स्टार्ट योर डे इन एन ऑप्टिमिस्टिक वे. यस आई हैव रिटन अ लिस्ट एंड हियर इज माय डायरी दैट आई एम कैरिंग. सो स्टार्ट योर डे इन एन ऑप्टिमिस्टिक वे. अब ऑप्टिमिस्टिक वे का डेफिनेशन, इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी वन. सबका परसेप्शन अलग होगा, थॉट प्रोसेस अलग होगा, तो वो काफ़ी अलग है. तो मेरा ऑप्टिमिस्टिक डे मतलब एक अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करना, एक हेल्दी पॉजिटिव कोट पढ़ना, या फिर यू नो जस्ट गेटिंग आउटसाइड, गोइंग फॉर अ वॉक, दैट इज़ पॉजिटिविटी फॉर मी. लुकिंग एट द प्लांट्स, हैविंग अ कप ऑफ चाय, सिटिंग नेक्स्ट टू माय प्लांट, सो दैट इज़ माय ऑप्टिमिस्टिक वे. जैसे मैं खुश फील करती हूँ या हैप्पी फील करती हूँ तो मुझे लगता है वाओ आज का दिन तो बहुत अच्छा जाएगा. सो दैट इज़ माय ऑप्टिमिस्टिक वे. इट कुड बी डिफरेंट फॉर यू, बट देन फिगर आउट कि आपका क्या होना चाहिए, वॉट इज़ योर ऑप्टिमिस्टिक वे एंड स्टार्ट विद दैट. इट एक्चुअली हेल्प्स. इनिशियली 4-5 hours तो काफ़ी अच्छा जाता है, दैट इज़ वन थिंग. नंबर टू इज क्रिएट अ पॉजिटिव लिविंग अराउंड. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ जाओ आइकिया से कुछ सामान खरीदो, या फिर जाओ कुछ चीज़ें खरीदो, मम्मी पापा की पॉकेट हल्की कर दो, या खुद के पैसे स्पेंड कर दो. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. अ पॉजिटिव लिविंग कैन बी नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड. मतलब आपके आसपास जो भी है, जो है अभी प्रेजेंट में जो भी है, शायद इधर उधर होगा, आपके कबर्ड के अंदर होगा, कभी पिछले साल कुछ खरीदा होगा जो यूटिलाइज नहीं हुआ रहेगा. सो थिंग्स लाइक दिस, यू कीप इट नीट, कीप इट टाइडी, उसको अच्छे से क्लीन साफ रखना, उसमें कोई भी डस्ट नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना. जैसे अभी ये पॉट है, मुझे पता है कि मुझे यहाँ रखना है बिकॉज इट हेल्प्स मी इन माई वीडियो. आई नो वेयर टू कीप माई बुक्स, आई नो हाउ टू सिट, आई नो वाई दिस क्वेश्चन इज योर. सो थिंग्स लाइक दिस एंड यू जस्ट फील हैप्पी. आपको आस पास देख के काफ़ी पॉजिटिव अच्छा वाइब आ रहा है, फील गुड फैक्टर आ रहा है. Then that is what you need to create. Create a good positive living around you, जहाँ आप बैठते हो, जहाँ आप काम करते हो. It could be your desk also. Okay. Number three is focus on solutions. I know हजारों लाखों करोड़ों टाइम ये सुना होगा जब भी पॉजिटिविटी के वीडियोज़ आते हैं कि प्रॉब्लम्स पे फोकस करो, वरीज पे नहीं, सोल्यूशंस पे फोकस करो, प्रॉब्लम्स पे नहीं फोकस करो, सोल्यूशंस पे फोकस करो. Yes, even I want to say that, and it could be the silliest thing or it could be the biggest thing of your life. Okay, so dono ways mein aapko solution pe focus karna chahiye, aur solution jo hai wo dead end bhi hona chahiye. Matlab ek solution aisa ho jisse problem solve ho, aur ek solution aisa ho ki wo karke bhi wo problem nahi solve hogi, but you know what is the dead end of that, what is the dead end of that. सो ये आपको पता करना है कि आपको जो है सोल्यूशन, दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं और आपको दोनों सोल्यूशन पे फोकस करना है. सिर्फ हैप्पी सोल्यूशन पे नहीं फोकस करना है, बट एक सैड सोल्यूशन भी है, बट यू नो कि वो सोल्यूशन है, उसके बाद भी अगर नहीं हुआ दैट्स फाइन, बट यू हैव गिवन इट अ ट्राई, सो दैट सोल्यूशन. नंबर फोर इज डोंट फर्गेट योर फिजिकल सेल्फ. फिजिकल सेल्फ के बारे में भी पॉजिटिविटी में हमने भी चैलेंज किया था. यू कैन चेक आर इंस्टाग्राम पेज, आई हैंडल इट समवेयर, सॉरी आई लिंक इट समवेयर, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट. हमने एक ब्यूटिफुल 30 days का फेब्रुवरी में पॉजिटिविटी चैलेंज लिया था. यू कैन टेक दैट चैलेंज अभी भी अगर आपको ये जर्नी स्टार्ट करना है पॉजिटिविटी का. एंड डोंट फर्गेट योर फिजिकल सेल्फ.
इट कुड बी द वे यू लुक, यू नो रिंकल्स कितने हैं, क्या है हर चीज, आपके बाल कैसे हैं, बाल सफ़ेद है या नहीं, आपकी पॉस्चर कैसी है. इट कुड बी योर एक्सरसाइज, नॉट एग्जैक्टली एक्सरसाइज बट इट कुड बी योर फिजिकल स्ट्रक्चर, जो आप एक्सरसाइज से इम्प्रूव करते हो या फिर आप नहीं करते हो तो वो डिसबैलेंस हो गया है या फिर सही नहीं है आपका फिजिकल फिटनेस. सो दैट कुड बी योर फिजिकल सेल्फ, द वे यू सिट, द वे यू टॉक, द वे यू लुक एट योर सेल्फ. सो दिस इज योर फिजिकल सेल्फ. आपको उसको शेप में रखना है तो क्या क्या करना है, सो ये सब चीज़ों पर आप ध्यान दो. ओके, फिजिकली आप कैसे दिखते हो, बिकॉज एवरी सिंगल डे व्हेन आई टेल यू कि फर्स्ट पॉइंटर, जब मैंने बोला कि ऑप्टिमिस्टिक वे में स्टार्ट करना है, काफ़ी लोग होते हैं जो दिन की शुरुआत है, जैसे अगर ऑफिस जा रहे हैं या घर पे भी है, सो दे लुक इनटू द मिरर. तो अगर आपका फिजिकल सेल्फ अच्छा है, यू आर स्माइलिंग, यू आर फिजिकली फिट, देन डेफिनेटली यू गेट दैट पॉजिटिव वाइब. अगर फिजिकल सेल्फ आपका अच्छा नहीं है तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि आप सोचते हो कि अरे मैं कितनी मोटी हूँ, या मैं कितना दुबला हूँ, अरे मेरे बाल गिरे हो रहे हैं, मेरी उम्र हो रही है. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नो कीप यू होल्ड इट एंड दे डोंट अलाउ यू टू फोकस दैट मच इन लाइफ. सो कीप योर सेल्फ फिजिकली फिट. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, आई मीन द फाइनल पॉइंट इज स्टॉप स्टम्बल एंड सेटल. येस, आई एम टेलिंग यू टू स्टम्बल बिकॉज लाइफ में जो बेस्ट लर्निंग्स होती है ना, वो गिर के ही आती है. मतलब जैसे मेरे पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि जब कुछ करेगी और कोई चीज़ में फेलियर होगा, जब तू खुद गिरेगी तब तू खुद संभलेगी. दैट मीन्स अगर मैं खुद ही कुछ गलती कर दूंगी तो मुझे खुद को समझ में आएगा कि उसको रेक्टिफाई कैसे करना है, और उसकी जो लर्निंग होगी उसका मतलब एक अलग मज़ा है, उसका एक अलग चार्म है. कि लाइफ में आप सेकेंड टाइम जब कोई भी चीज़ करते हो, यू नो वॉट यू हैव लर्न इन योर मिस्टेक. सो आई वुड से स्टॉप, थोड़ा रुको, अगर गिरे हो तो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ, एंड देन सेटल, एक्सेप्ट करो उस गलती को और उसको लिख के रखो कहीं पे कि ये ऐसे हुआ है, नेक्स्ट टाइम पे ये लाइफ में ऐसा नहीं करना है, या फिर ये मेरी लर्निंग थी, अभी उसको मुझे ऐसे सुधारना है. सो दैट इज स्टॉप स्टम्बल एंड सेटल. इससे भी पॉजिटिविटी आती है क्योंकि इससे ओवर थिंकिंग नहीं होती है बिल्कुल भी, और आप वो जो लूप चक्कर जो पिछले वीडियो में भी बताया था, तो वो आप लूप में कभी भी नहीं फंसते हो. There is immense clarity and you know there is determination ki acha this is step 1, this is step 2, this is step 3, this is step 4, and that is how life goes on. So acceptance. So yes, these are the 5 points that I have to tell you about how to stay positive naturally. Okay, so other than these, if you have anything that you would like to share, please let me know. And if you like our Instagram positivity challenge, then also let me know in the comment box. अगर ऐसा कुछ करना है या फिर हम दोबारा से ऐसे कुछ चैलेंज लेते हैं जहाँ पे हम सब साथ में आके कुछ पॉजिटिव करते हैं, एंड देन वी कैन यू नो क्रिएट गुड रिजल्ट्स, देन डू लेट मी नो. आई विल बी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू. एंड सब्सक्राइब टू ट्रेनोफाई. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.